दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को गर्मी से राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहे, जिसकी वजह से तेज धूप नहीं निकली और गर्मी में गिरावट के साथ साथ तापमान में भी कमी आई। यही कारण है कि लू के प्रकोप से भी राहत मिली है। दूसरी तरफ कुछ इलाकों में धूल भरी हवा चली तो कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार शुक्रवार को आसमान में आंशिक बादल दिखेंगे, वहीं शनिवार से एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि 27 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा 25.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुए। हवा में नमी का स्तर 36% रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं नोएडा में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ बना रहेगा। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और यहाँ भी आसमान साफ रहेगा। वहीं दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खराब श्रेणी में देखने को मिला है आज और 286 दर्ज हुआ है। नोएडा का भी AQI बहुत ही खराब श्रेणी में रहा और 325 रहा, जबकि गुरुग्राम का AQI खराब श्रेणी में दर्ज हुआ और 267 है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।